केवल इस हाउस में 6 साल पूरा करने का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सोनिया जी को, प्रधानमंत्री जी को और राजीव जी को, जिन्होंने हमें इसी हाउस में एक सीखने के लिए भेजा है और 6 साल हमने खूब सीखा है। सर, पूरी हाउस को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, पूरा सेक्रेटरीट को, सेक्रेटरी जनरल और सारी ऑफिशियल MS सेक्शन मेंबर सैलरी और MS सेक्शन टेबल ऑफिस और सारी ऑफिशियल को, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सर चेयरमैन साहब को, डिप्टी चेयरमैन साहब को, LOP को और सभी पार्टी के लीडरों को, जिन्होंने जब जब भी हम कुछ बोला है उन्होंने हमें कोऑपरेट किया है, हमें समझा है। कि मैं इस हाउस को एक निवेदन करना चाहूँगी सर, पूरे हिंदुस्तान में 80% रूरल बेल्ट से आते हैं और 20% शहरी से आते हैं। इस हाउस की जो प्रतिनिधित्व करते हैं सब प्रतिनिधि बराबर है, चाहे वो फ्रंट बेंचर हो चाहे वो बैक बेंचर हो। तो मैं इसलिए निवेदन केवल ये करना चाहूँगी सर, चाहे रूरल बेल्ट में, चाहे ST SC या OBC माइनॉरिटी जो भी प्रतिनिधित्व करने आए हैं, किसी फील्ड में किसी खूबियाँ किसी अच्छा काम के लिए इस हाउस में प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग भेजते, नेता लोग भेजते, पार्टी भेजती है, तो उनको बराबर इस हाउस में अपना भावनाओं को रखने के लिए मौका उनको मिलना चाहिए। और मैं निवेदन ये करना चाहूँगी सर हमारे हाउस को, कि जब मैं 86 में, जैसे अहलूवालिया जी ने, विप्लव जी ने, बाकी लोगों ने कहा विदाई बंदियों ने, कि 86 में मुझे भी सबसे पहले इधर सीखने के लिए इस हाउस में 3 महीना उम्र में आने का मौका मिला, और मैं उस समय जब देखा है और सीखा है, वो मेरा पॉलिटिकल एज ए MP प्रोफेशनल पीरियड था, तो मैंने देखा उस समय की हाउस की जो गरिमा और आज के दिन में हाउस की जो गरिमा, काफ़ी सार हेल एंड हेवन है। तो मैं निवेदन केवल ये करना चाहूँगी, खुद का स्वाभिमान और इज्जत, पॉलिटिकल हाउस, पार्लियामेंट हाउस को, पॉलिटिकल लोगों का इज्जत को वापस बुलाने, वापस लाने के लिए हम सब पार्टियों को कोशिश होनी चाहिए, और पब्लिक में जो इमेज हम लोगों का अभी क्रिएट होते गया है, जो आगे भी बढ़ रहा है, जे पॉलिटिशियंस आर नॉट गुड, ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्टेड, जैसे लोगों को इस तरह से एक भावना एक तोल में तोल रहे हैं, इस तोल को अपन को समझना, सुधरना चाहिए। तो ये हाउस ऑफ द एल्डर्स है सर, हाउस ऑफ द एल्डर्स का हमेशा सम्मान रहा, आज भी सम्मान है। मैं निवेदन करना चाहूँगी एक जूनियर MP होने के नाते, ये हाउस का इज्जत, सम्मान, गरिमा को बरकरार रखने का सब पार्टी लीडरों का, पूरी सदन का कर्तव्य हम लोगों का होना चाहिए। और हम लोग रिटायर्ड सर नहीं है, रिटायर्ड को हम लोग एक ऐसे पोस्ट में जा रहा है जो सबको एक दिन जाना है, परमानेंट पोस्ट, वो है XMP। XMP सर एक परमानेंट पोस्ट है, एक 6 साल पूरा होने का फेयरवेल हम लेना तो नहीं चाहते, फिर भी सर राजनीतिक जिंदगी में एक फील्ड पूरा होने के बाद दूसरे फील्ड इंतजार कर रहा है काम करने के लिए, तो राजनीतिक जिंदगी में शुरुआत कहाँ होता है और ख़त्म कहाँ होता है ये तो तय करता है ऊपर वाला और पार्टी भी। इसीलिए मैं आप लोगों से फेयरवेल लेना नहीं चाहती हूँ, 6 साल की पूरा होने में आप लोगों को छोड़ के जाने में गम तो लग रहा है, फिर भी आप लोगों ने, सब पार्टियों ने जितना दिल से प्यार और मोहब्बत और आशीर्वाद दिया, मैं चाहती हूँ इसी सहयोग में आगे मिलेगा। तो हमारे जैसे जो ट्राइबल इलाका में हमेशा काम करते रहे, जो महिलाएं हैं, तो जो यंग है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ST SC इलाका में काम करने के लिए एक डिटर्मिनेशन लेके पॉलिटिक्स में आए, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का शुभकामना, आप लोगों का सहयोग का हमेशा मैं कामना करते रहूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारे जैसे लोगों को आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश रहेंगे। सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू।